हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभा पाठक, आप लोगों को स्वागत है मेरे किचन में। आइए, आज हम मोदक बना रहे हैं और डिफरेंट मोदक है, ये थोड़ा सा अलग है इसमें। चलिए, हम किस तरह बनाना है चलिए हम चलते हैं, शुरू करते हैं। और आप लोग ज़रूर ये वीडियो देखें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें प्लीज, और लाइक भी करें मेरी वीडियो अच्छी लगी तो। चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब इसमें हम एक चम्मच घी डालेंगे। कढ़ाई को गरम कर लिए हैं, इसमें एक चम्मच करीब घी डाले हैं, और इसमें ये दूध को हम एक गिलास था तो उसको हम हाफ गिलास कर दिए हैं उबाल उबाल के। एक गिलास दूध लिए हैं, उसको उबाल के हाफ गिलास हम कर लिए हैं, थोड़ा गाढ़ा कर लिए हैं। इसमें हम उबल गया दूध, इसमें हम चीनी डाल देते हैं, आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए। दूध और गाढ़ा हो गया है, चीनी गलने तक हम पकाएंगे इसको। चीनी भी गल चुका है, अब इसमें हम ये मिल्क पाउडर है वो हम डालेंगे इसमें। और इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। अभी थोड़ा डाले हैं और लगेगा तो डालेंगे। अब इसको हम थोड़ी देर इसको पकाएंगे, इसमें गाढ़ा हुआ है इसको और अभी पकाएंगे हम। देखिए अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया। अब हम इलायची का पाउडर इसमें डालेंगे। चीनी के साथ हम पीस दिए हैं, इलायची का पाउडर देने से टेस्ट बढ़ जाता है। और थोड़ा सा इसको भी गाढ़ा करेंगे। जब सारा इकट्ठे हो जाए ना, उसके बाद हम गैस को बंद करेंगे। हो गया है अच्छी तरह से इकट्ठे हो गया है। अब इसमें हम हाफ चम्मच घी डालेंगे बाद में शाइनिंग के लिए, बस इसको हम मिला लेते हैं। अब इस परात में हम निकाल लेते हैं, ये ठंडा होगा तो और कड़क हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम ठंडा कर लेते हैं। आप देख सकते हैं अभी भी थोड़ा सा गर्म है, लेकिन अब हम बना लेते हैं मोदक। इस मोल्ड में घी लगा लेंगे थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा अंदर दबा दीजिए, अभी भी बहुत गर्म है ये, एकदम खोए की तरह लगेगा आपको खाने में। आप बना के ज़रूर ट्राई करें, और अच्छा लगे तो मुझे मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। घर पे एकदम अच्छी तरह से मिठाई ये बन जाती है। चलिए अब हम इसको देखते निकाल लेते हैं। ये देखिए हो गया है,
केवल इसको ठंडा करके बनाए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब दूसरी बार घी नहीं भी डालिएगा ना साचा में तो कोई बात नहीं। इसी तरह हम और सारा पूरा बना लेते हैं। तो अच्छी तरह से दबा दीजिए, उसके बाद निकालिए। अभी थोड़ा सा गर्म है इसीलिए थोड़ा सा ढीला लगता है। इसी तरह पूरा बना लीजिए आप। अब देखिए बन गया है और कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से बनाएं घर पे ही मिठाई और हेल्थ भी सही रहेगा, तो इसलिए घर पे बनाएं और खाएं। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगता है मेरी रेसिपी तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू।